ठीक है, आपका हो जाएगा। क्योंकि सपोर्ट में भी एक पूछा था तो उन्होंने कहा है कि आपके अगर डेट ऐसी कोई नहीं है एक्सपायरी डेट तो कोई भी डालिए, क्योंकि पर्सनल वहाँ पर डालनी ही पड़ेगी, तब तक आपका KYC कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भरना तो ज़रूरी है। और आधार कार्ड से KYC हो जाएगा, पासपोर्ट से भी हो जाएगा, DL है तो हो जाएगा आपका। ओके, तो अभी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। और अगर और भी अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। एसी की जो पेरेंट कंपनी है वो नस्डाक में लिस्ट होगी, शायद लोगों को ना पता हो नस्डाक, तो वो लिस्ट होने की है इसी साल, मतलब अक्टूबर तक। ठीक है, अगर ये लिस्ट हो जाती है तो अपना जो एक अटलांटिक एक्सचेंज है बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और एसी एटीसी एवीटीसी बहुत जल्दी ग्रो करेगा, शायद लोगों को ना पता हो। तो देखिए, आप है ना अमेरिकन कोइन का जो वाइट पेपर है, उस वाइट पेपर को आप कंप्लीट पढ़िए, उसमें सारी डिटेल दी गई है, और ऐसी डिटेल दी गई है आप पढ़ेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, कृष्णा रेवरिया जी का कृष्ण 119 एबीटीसी में से सिर्फ 50 शो हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए सर, आप इतना क्लियर नहीं है कि कितने दिन वेट करना पड़ेगा, बट पैसेंस रखिए, क्योंकि हमने कुछ इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, और बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जहाँ पर मुझे 5 साल तक वेट करना पड़ेगा, और वहाँ पर 5 साल वेट करने में मतलब कल क्या होगा मुझे पता नहीं, 5 साल तो बहुत दिन होते हैं। आधार कार्ड से KYC हो जाएगा, ठीक है, आप ये हो जाएगा आधार कार्ड से। ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, क्या दिक्कत आ रही है वहां पर? ठीक है फ्रेंड्स, अभी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बाद में भी कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, और बने रहिए इसी तरह से, और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी आप जानकारी पता चले। ठीक है, ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन फिलहाल ये जो अभी बिटकॉइन एबीटीसी फिर से आ गया यही बताने वाला था, और अभी कोई अगर नई कोई न्यूज आती है तो शाम को तक जो भी बताऊंगा आप लोगों को जरूर।